ऑल राइट, हेलो रेसलिंग फैंस, मेरा नाम जस्टिन और आप देख रहे हैं रेसलिंग ऑडियंस चैनल। तो मिस्टीरियोस एंड द मिज एंड लोगन पॉल का टैग टीम मैच खत्म हो चुका है, जहां पर काफ़ी बढ़िया चीज़ें देखने को मिली हम सभी को इस मैच से। तो भाई ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। और जिन लोगों को नहीं पता हमारे चैनल पर कैसा कंटेंट आता है, तो यहाँ पर आप सभी को WWE की फास्टेस्ट अपडेट और भी काफ़ी अमेजिंग कॉन्टेंट देखने को मिलता है। तो कर दैट चैनल को सब्सक्राइब, मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो, अगर 5 लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरी काफ़ी बड़ी हेल्प हो जाएगी। और अब बात करते हैं इस मैच की। तो भाई मैच रेसलिंग वाइज काफ़ी ज़्यादा कमाल का था यहाँ पे, मतलब टोटली आपको एक्शन देखने को मिलेगा इस मैच में, ऐसा नहीं कि बहुत स्लो मैच चल रहा है। लोगन पॉल की काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिली इस मैच से, जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। मज़ा आ गया लोगन पॉल की परफॉर्मेंस को देख कर, उनको काफ़ी हीट मिल रही थी फैंस की तरफ से। और एंडिंग की बात करें तो जो हमारे मिस्टीरियोज हैं वो दोनों अपने स्प्लैश लगाते हैं लोगन पॉल पर, 1-2, बट मिस आते हैं, वो रे मिस्टीरियो को धक्का देते हैं उन पर और वो लगाते हैं रे मिस्टीरियो पर एक स्कल क्रशिंग फिनाले, 1-2-3। और इस मैच में मिज एंड लोगन पॉल ने हरा दिया मिस्टीरियोज को, लेकिन कहानी ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि जो हमारे मिज हैं वो सेलिब्रेट करते करते लोगन पॉल पर भी लगा देते हैं स्कल क्रशिंग फिनाले। और अब बाद में हमारे जो लोगन पॉल हैं उनको थोड़ा फेस सुपरस्टार की तरह दिखाया गया, लेकिन मिज ने एंड में जाते जाते भी धोखाधड़ी कर दी है। बाकी आप लोग जो भी सोचते हो इस मैच के बारे में, उसके बारे में आप सभी नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए रेसलमेनिया को एंजॉय कर रहे हैं ना।